पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा ने बीसीसीआई पर नए सिरे से प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय टीम हमारे साथ नहीं खेल रही है तो कोई बड़ी बात नहीं, उनके बिना भी हमारी क्रिकेट चल रही है। उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया कि अगर पाकिस्तान को 2023 में एशिया कप की मेजबानी के अवसर से वंचित किया जाता है तो पाकिस्तान अगले साल भारत में होने वाले वनडे विश्व कप का बहिष्कार कर सकता है। दोनों क्रिकेट बोर्डों के बीच तनाव अक्टूबर में शुरू हुआ था। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने खुलासा किया था कि टीम इंडिया एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। वह एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख भी हैं। जय शाह ने यह भी कहा था कि टूर्नामेंट को किसी और स्थान पर आयोजित किया जाएगा। इसके बाद पीसीबी ने अगले साल एशिया कप के बाद होने वाले वनडे विश्व कप से हटने की धमकी दी। रमीज राजा ने शनिवार को स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट से कहा, हम वास्तव में इस बात को लेकर चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन प्रशंसक चाहते हैं कि हम प्रतिक्रिया दें। भारत पाकिस्तान के बारे में भारत की जो कहानी रही है उससे फैंस को दुख हुआ। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल के साथ बातचीत में राजा ने बीसीसीआई के रुख को अनुचित बताया और कहा कि पीसीबी एशिया कप के लिए स्थान में बदलाव का विरोध करेगा। पीसीबी चेयरमैन ने कहा, मुझे लगता है कि सरकार की एक नीति है और मुझे नहीं पता कि आएंगे या नहीं। एशिया कप फैंस के लिए बहुत मायने रखता है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर का यह मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज को फिर से शुरू करना चाहिए। हम भारत में जाकर खेलना चाहते हैं और भारत पाकिस्तान में। रमीज राजा ने कहा, हम भारत के बिना कई सालों से खेल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था के पैमाने को अंतरिक्ष रूप में देखा है और किसी तरह बहुत अच्छी तरह से जीवित रहा है। किसी भी चेयरमैन रमीज राजा के बयान पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।